गाइज वेलकम टू बैक इन माई चैनल। तो गाइज आज मैं यहाँ पर एक कंडीशनर का रिव्यू करने जा रही हूँ और आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट कंडीशनर। इस तरह से ये ट्यूब में आता है, आप देख सकते हैं। और इसकी बड़ी वाली ट्यूब मैंने परचेज़ की हुई है क्योंकि जब मैंने अपने बालों पर 1 ईयर पहले स्ट्रेटनिंग करवाई थी तब मुझे यही शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने की सलाह दी गई। अगर आप लोग देखिए शैम्पू तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है, अपने हेयर पर, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं, ये तो कंडीशनर है, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं बट आपको कंडीशनर अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, डैमेज हैं, तो आपको हर हाल में हर बार हेयर वॉश के बाद कंडीशनर यूज करना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आपके बाल जो होते हैं बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, जो रफ़ होते हैं, दो मुँहे होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बीच में से टूट जाते हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं एंड बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और डैमेज भी हैं। तो ये एक नॉर्मल टिप्स है कि आप अगर जब भी शैम्पू करते हैं उसके बाद बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें, कंडीशनर जरूर से ज़रूर यूज़ करें। तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर ये लेकर आई हूँ और बेस्ट से बेस्ट कंडीशनर मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट किसी कंडीशनर का हो सकता है। फिलहाल तो मुझे अभी ऐसा कोई कंडीशनर नहीं मिला है। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो ये तो नंबर 1 पर है, बिल्कुल इसे तो मैं नंबर 1 पर रखूँगी, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। क्योंकि ये हाईली रिकमेंडेड किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बालों पर स्ट्रेटनिंग करवाई है, स्मूदनिंग करवाई है या फिर ऐसी किसी भी केमिकल प्रोसेसिंग से अगर आपके बाल गुजरे हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड किया जाता है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का शैम्पू और कंडीशनर। ठीक 1 ईयर से मैं इस कंडीशनर को यूज़ कर रही हूँ, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। कई सारी ट्यूब्स में इस भी जिसकी परचेज़ कर चुकी हूँ, चाहती तो मैं कुछ और भी यूज़ कर सकती थी क्योंकि 6 मंथ के लिए आपको स्मूदनिंग के बाद 6 मंथ के लिए आपको कहा जाता है कि 6 मंथ तक आपको वही शैम्पू यूज़ करना है, बाद में आप कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे 1 ईयर होने जा रहा है, मैं चाहती तो दूसरा भी यूज़ कर सकती थी बट मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगा कि मैं इसकी तरफ से हट ही नहीं पाई हूँ। तो देखिए आपको ना कंडीशनर हर हेयर वॉश के बाद कंडीशनर यूज़ करना ही चाहिए हर हाल में। अगर आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे रहें, स्मूथ रहें, सिल्की रहें, शाइनिंग रहें, जो कि सभी चाहते हैं, तो आपको कंडीशनर यूज़ करना ही चाहिए। आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसे ही यूज़ कीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये कंडीशनर बेस्ट है और जब आप यूज़ कर ही रहे हैं तो कुछ बेस्ट चीज़ यूज़ कीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसकी क्वांटिटी और प्राइस के बारे में आपको बता देती हूँ गाइस। तो इसके जो प्राइस हैं वो हैं 520 रुपीज़ इसके प्राइस हैं और इसकी क्वांटिटी है 196 ग्राम। तो आई थिंक मुझे ये इतनी ही बड़ी ट्यूब में आता है, इससे बड़ी ट्यूब में मुझे तो ये नहीं मिला है। मैं इससे बड़ी में लेना चाह रही थी बट ये इतनी ही बड़ी ट्यूब में आता है। 520 रुपीज़ इसके प्राइस हैं, 196 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और सफिशेंट होता है ये आपके वन एंड हाफ मंथ तक बहुत ईजिली चल जाता है। अगर आपके हेयर की लेंथ मेरे बराबर है तो आराम से आपका 1.5 मंथ चल जाएगा, 2 मंथ भी किसी किसी का चल जाता है। तो बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद आपके बाल बिल्कुल एकदम से सिल्की शाइनी एंड ऐसा लगेगा ना बिल्कुल एकदम रेशमी, जिसे कहते हैं ना रेशमी से बाल आपके हो जाते हैं। तो अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया हुआ है आज तो इसलिए आप अभी मेरे बाल, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को फुल मार्क दूंगी और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये मैट्रिक्स का कंडीशनर। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।